सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जनता पार्टी के आभार कार्यक्रम को लेकर रंका दक्षिण मंडल की खरवार छात्रावास में एक अहम बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष भूदेश्वर सिंह ने की, जहां मुख्य रूप से संगठन के वरिष्ठ नेता भगत सिंह साहू, अंजनी तिवारी, जिला परिषद सदस्य उमा देवी, कमलेश नंदन सिन्हा, चैमन सिंह, फौजदार सिंह और काफी संख्या में नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक में कहा गया कि पंचायत व बूथ स्तर तक व घर घर जाकर दोबारा मोदी सरकार चुनने के लिए जनता का आभार व्यक्त करना है, इसके लिए सभी संकल्पबद्ध भी हुए। वहीं आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता पर भी चर्चा हुई और योग दिवस की मौके पर पंचायत स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन किए जाने की बात कही गई। बतौर कार्यक्रम प्रभारी बैठक में मौजूद भगत सिंह साहू ने कहा कि आभार व्यक्त करने के साथ साथ आभार पत्र देने का भी निर्णय लिया गया है। कहा कि जिस तरह से मोदी की सरकार बनाने में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, उसी तरह से झारखंड राज्य में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने के लिए 60 प्लस के लिए सभी संकल्पित हों। जो पूरे देश से लोकसभा चुनाव में हम लोगों को अपार मत मिला, पार्टी ने तय किया कि हम सभी मतदाताओं के यहाँ जाएंगे। हम लोग सिर्फ वोट नहीं मांगते हैं, हम लोग वोट लेने के बाद उनको आभार व्यक्त करने के लिए जाएंगे। ये पार्टी ने एक तय किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने एक प्रोग्राम तय किया, उस कार्यक्रम के तहत मुझे नगर दक्षिणी में प्रभारी बनाया गया। हमारे साथ साथ प्रभारी अंजनी तिवारी जी हैं। हम लोग इसी तरह सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को सभी मंडल का जिम्मेवारी देकर भेजा गया कि हर घर में जाकर, हर मतदाता के पास जाकर हम लोग पार्टी की तरफ से एक आभार पत्र देंगे। वो आभार पत्र पार्टी ने छपवाया है, इस आभार पत्र को जाकर हम लोग सभी मतदाताओं को धन्यवाद देंगे। यही कहा।